हैं चौली की सब्जी। चौली की सब्जी बनाना बहुत ही आसान हो रही है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स में आती है चौली सब्जी। और बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड है ये सब्जी, और फुलके के साथ आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं, बहुत ही बच्चे भी खा सकते हैं चौली की सब्जी। चलिए देख लीजिए, ये है फ्रेश चौली की सब्जी, ग्रीन चौली। तो हम बना लेते हैं इसकी सब्जी, और इसमें हमने ऑयल डाल लिया है और डाल लिया है मस्टर्ड 1 स्पून, छोटा स्पून जीरा, और इसे इसमें डाल लेते हैं ऑनियन के पीसेस जो कि हमने थोड़े बड़े और थोड़े लंबे पीसेस काट लिए हैं। वैसे ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए हमें प्याज बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वो हमें ज़्यादा ही काटना चाहिए। और ये डाले मैंने गार्लिक के छोटे छोटे बारीक पीसेस, इससे आपकी सब्ज़ी एकदम टेस्टी बनेगी। तो इसमें डाल लेते लाल मिर्ची, ये ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं डालना है तो मत डालिए, लेकिन इससे डालने से स्वाद बढ़ेगा। और ये डाल लेते हैं चिली पाउडर, क्योंकि हमें चिली पाउडर भी डालना है। डाल लेते हैं टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, डाल लिए हैं। बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली बहुत सी प्यारी सी सब्जी है जो कि फुलके के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगी। ऐड कर लेते हैं नमक 1 स्पून। तो इस तरीके से सब्जी बना लेते हैं, और अभी बस इसमें चौली जो कि मैंने अच्छे से धो के रखी थी, 2-3 पानी से धोना है, इसमें मिट्टी रहती है ज़्यादा, और थोड़ी देर के लिए इसे सुखानी है ताकि पूरा पानी इससे निकल जाए, क्योंकि ये हमें बिल्कुल सूखी सब्जी बनाना है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेंगी हमारी सूखी सब्जी, जो कि हम टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं इजीली। अब वैसे भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और इसमें डाल लेते हैं कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ते डाल लेते हैं इसमें जो कि धो के रखे हैं, और इसे भी थोड़े टाइम के लिए सुखाना है, क्योंकि इसमें हमें पानी का उपयोग नहीं करना है, इसलिए मैंने सब्जी पहले ही धो के रखी है और थोड़ी देर के लिए छन्नी पे इसे सूखने दिया। अब इसे सिर्फ ओनली 5 मिनट के लिए हो जाएंगे एकदम रेडी सब्जी। देखिए कितनी प्यारी से बनी है, तो ये थोड़ी कम बन जाती है जब ये पक जाए सब्जी, तो इसलिए बहुत ही प्यारी बनती है, टेस्टी टेस्टी सब्जी। तो ज़रूर बनाएंगे आप भी चौली की सब्जी। Thanks for watching.